साथियों नमस्कार, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यहाँ पर 26 नंबर के क्वेश्चन से। ये हमारे भक्ति काल का टॉपिक चल रहा है और मैंने जो आदि काल है वो पूरा करवा दिया है। साथियों बहुत सारे वीडियो मैंने इसमें डाल दिए हैं, करीबन 40 से 45 वीडियो उसमें हैं और लगातार में जो है 7-7 घंटे की क्लासेज भी लगातार उन सभी वीडियो को मर्ज करके मैं डाल रहा हूँ साथियों, तो आप एक साथ भी देख सकते हैं, तो यह आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। साथियों अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ते हो और आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, मैंने कहता आप लाइक और शेयर कीजिए, लेकिन अगर क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, ये बढ़िया प्रश्न है आपके जीवन को संवार सकते हैं और आप इनसे नोट्स बना रहे हैं साथियों, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका प्यार मुझे मिलना चाहिए साथियों, जो मेहनत इसमें लग रही है और जो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाए, तो जरूर निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके और चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें साथियों। चलिए 26 नंबर के प्रश्न से हम लोग देखते हैं। आज हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है किस युग को कहा जाता है साथियों? सबको पता है भक्ति काल को हम लोग क्या कहते हैं, स्वर्ण युग कहते हैं। और यह भी पता है हमें कि किसने कहा था, जॉर्ज अब्राहम ग्रेशम के द्वारा ये कहा गया था। देखिए साथियों कितनी बार ये कितने सारे पेपरों में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप खुद देख सकते हो इस चीज को। तो क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं साथियों, निश्चित रहिए। मतलब मैं आप लोगों को ऐसा मैटर दे दूंगा और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए प्लीज, आपको वहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मैंने अभी तक जो है करीबन आदिकाल से संबंधित पूरी पीडीएफ में डाल चुका हूं और ये से ही बहुत बढ़िया प्रश्न है साथियों, तो निश्चित रहिए और जरूर से जरूर आपको बेनिफिट होगा, बस विश्वास रखिए मेरा। और मैं जल्दी से जल्दी जो है टॉपिक आपके खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ साथियों, ठीक है? तो हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है उसको स्वर्ण युग कहा जाता है। जॉर्ज अब्राहम ग्रेशम ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था। राम विलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से पुकारा। साथियों कितना बढ़िया प्रश्न है, आप देखिएगा इस प्रश्न को, इतना बढ़िया प्रश्न है ये। मतलब मैं तो इन प्रश्नों को देख करके ही मतलब इतना खुश हो जाता हूँ कि यार इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, मतलब जबरदस्त प्रश्न है और इन प्रश्नों को पढ़ के इतना आनंद आता है साथियों, मेरे को तो बहुत आनंद आता है। बाकी आपकी इच्छा है, आपको क्या लगता है, कैसा लगता है, आप जरूर कमेंट करके बताइए यार, ठीक है ना? जरूर से जरूर कमेंट कीजिए कैसा आप लोगों को यहाँ पर लगता है कि इन प्रश्नों को देख करके क्या ये प्रश्न आपके जीवन में काम आ सकते हैं, आपको मतलब कुछ ना कुछ तो यार जरूर मुझे आप मोटिवेट कीजिए कमेंट करके, ठीक है? तो देखिए स्वर्ण युग भक्ति काल को जॉर्ज अब्राहम ग्रेशम ने कहा और भक्ति काल को जो है लोक जागरण काल जो है राम विलास शर्मा के द्वारा कहा गया। साथियों ये मुझे नहीं मिला था प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा। मतलब कितनी बढ़िया बात है, एक ही प्रश्न में कितने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा, जॉर्ज अब्राहम ग्रेशम ने। भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा, रामविलास शर्मा ने। भक्ति काल को लोक जागरण किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इतने सारे प्रश्न आपके यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं साथियों, तो चलिए पढ़ते हैं और भी आगे। अगला प्रश्न है भक्ति काल को लोक जागरण किसने कहा। देखो अभी अभी प्रश्न आया था ना, लोक जागरण किसने कहा, तो किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। साथियों यहाँ पर लोक जागरण काल तो कहा था रामविलास शर्मा ने और लोक जागरण केवल लोक जागरण कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर हो सकता है, इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को लोक जागरण काल लोक जागरण कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में क्या कहा था? भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो कहा गया कथन है उसे भी आप नोट कीजिए अपने नोट्स में। लेकिन ये जो उन्होंने कहा था कथन वो है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो साथियों ये कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रहे हैं, उन्होंने भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में कहा था, इसे भी आप नोट कीजिएगा साथियों। आपके जीवन को संवारने वाली सीरीज है, आपके जीवन को बनाने वाली सीरीज है साथियों। आप चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पसंद कीजिए और दोस्तों को जरूर बताइए। मजा आ गया साथियों, ये मतलब ये प्रश्न पढ़ के मुझे जब मजा आ रहा है तो आप लोगों को तो कितना आनंद आ रहा होगा।
भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कवि। साथियों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया था। भक्ति ग्रेशन ने जो है भक्ति के उदय को ईसाई धर्म की देन माना। साथियों याद रखिएगा, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, और भक्ति के उदय को जो है ईसाई धर्म की देन जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन के द्वारा कहा गया है। साथियों चलिए आगे बात करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है भक्ति काल का उदय पराजित मनोवृत्ति या इस्लामिक आक्रमण की देन माना है। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, जबरदस्त प्रश्न है। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने माना? जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन, धीरेन्द्र वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन माना है। ईसाई धर्म की देन भक्ति काल के उदय को किसने माना? जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन ने माना है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के उदय को जो है पराजित मनोवृत्ति या इस्लामिक आक्रमण की देन माना है। साथियों तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपके जीवन को संवारने वाले प्रश्न है। साथियों 29 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अपने पौरुष को हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? साथियों ये कथन है, ये किसका कथन है एक बार जरूर पढ़िएगा। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग क्या था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। साथियों इसे आप पढ़िए, नोट कीजिए, इंपोर्टेंट प्रश्न। देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। भक्ति काल के संबंध में कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी कथन है साथियों, भक्ति काल के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी कथन है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो इतना तगड़ा प्रश्न साथियों, और दोनों ही राइटर बहुत ही जबरदस्त हैं, आप इसको पढ़ते रहिए। साथियों देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? संत काव्य भी है, राम भक्ति काव्य भी है, सूफी काव्य भी है, लेकिन छायावादी काव्य तो यार छायावाद का ही है साथियों, भक्ति काल का क्यों रहेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिएगा, भक्ति काल को दो शाखाओं में बांटा, निर्गुण भक्ति और एक सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति को ज्ञानाश्रय शाखा जो कबीरदास जी ने, और प्रेमाश्रय या सूफी शाखा मलिक मोहम्मद जायसी ने। सगुण भक्ति धारा जो राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा में तुलसीदास और कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास। तो ये डिवाइडेशन भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ये रहा दसवां प्रश्न। देखो भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? अरे यार मजा आ गया, लोग उत्तर भारत को लगा देते हैं, लेकिन भक्ति का प्रारंभ साथियों दक्षिण भारत से हुआ है। आपको पता होगा शायद, एक पंक्ति भी है, भक्ति द्राविड़ उपजे लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने साप दी सात दीप नौ खंड। ये पंक्तियां आप याद रख लीजिएगा। भक्ति का जो प्रारंभ हुआ है वो दक्षिण भारत से हुआ है साथियों। कहाँ से हुआ है? दक्षिण भारत से हुआ है, ज्ञानाश्रय शाखा कबीरदास की है, ठीक है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है, भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से माना है, ये ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, और ये पंक्तियां इसको चरितार्थ करती है साथियों। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सात दीप नौ खंड। मजा आ गया साथियों। आलवार वैष्णव की संख्या, जो आलवार थे वो वैष्णव भक्त थे, याद रखिएगा। आलवार कौन थे? वैष्णव थे, ये जरूर आपको याद रखना है। आलवार कौन थे? वैष्णव थे, और नैनवार जो इनकी संख्या 9 थी, और आलवारों की संख्या 12 थी, याद रखिए। इन्होंने संख्या पूछी है, ये पूछा जाता है प्रश्न भाई, याद रखो आप इन प्रश्नों को। आलवार वैष्णवों की संख्या 12 है, और अलवार जो है तमिल कवि एवं संत थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आलवार थे, जो अलवार थे, आलवार अलवार जो भी हैं वो तमिल कवि और संत थे। अलवार क्या थे? इनकी संख्या 12 थी, ये वैष्णव थे, और अलवार जो है तमिल और संत थे। इनका जो काल है वो 6ठी से 9वीं शताब्दी के बीच रहा।
इनका जो काल है वो छठी से नवी शताब्दी के बीच रहा। इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंधम, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इनके जो पदों का संग्रह था वो किसमें था? दिव्य प्रबंधम में था, याद रखेगा, जो वेदों के तुल्य माना जाता है। किसके समान माना जाता है दिव्य प्रबंधम? किसके समान माना जाता है? वेदों के समान माना जाता है साथियों। और अलवार संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। क्या तगड़ा प्रश्न बनता है यार, अलवार जो संत है वह भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माना जाता है। साथियों मैं गारंटी देता हूं, हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आप लोगों को इजी नहीं लगने लग जाए तो नाम बदल देना मेरा, आपको इतना इजी लगने लग जाएगा। बस आप अपने रजिस्टर में से एक बार डिटेल पढ़ लीजिए, उसके बाद में इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए, जबरदस्त आप लोगों को मजा आ जाएगा साथियों। मजा ही मजा है, मोजा ही मोजा है। समग्र देखो कितने सारे प्रश्न बन गए। अलवार कौन थे? वैष्णव थे। अलवार को संख्या कितनी थी? 12 थी। अलवार जो है तमिल कवि और संत थे। इनका काल छठी से नवी शताब्दी तक रहा, बीच में रहा। इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंधम में रहा, इसको दिव्य प्रबंधम को वेदों के समान माना जाता है। अलवार जो है संत, जो अलवार संत थे वो भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। इतने सारे प्रश्न यार, मतलब क्या बताऊं आप लोगों को, मैं 10 प्रश्न करवाता हूँ, 15 प्रश्न करवाता हूँ, 20 प्रश्न करवाता हूँ, लेकिन 100 से भी ज्यादा प्रश्न इसमें निकल जाते हैं यार। समग्र अगला प्रश्न है, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है साथियों? अहंकार का त्याग, अवतार में विश्वास बिल्कुल था, जाति प्रथा का निषेध बिल्कुल था, ईश्वरीय लालन लाला गायन, ये मतलब इनमें से कौन सी भक्ति मतलब सबसे ज्यादा जो है वह अहंकार का त्याग। राम समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? ये सारी थी वैसे तो, लेकिन संपूर्ण भक्तिकालीन पर कौन सी विशेषता लागू होती है? वो अहंकार का त्याग था। चलिए, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग नामक विशेषता लागू होती है। 34 नंबर का प्रश्न है, रामानंद की शिष्या परंपरा में आते हैं, रामानंद किस शिष्य परंपरा, रामानंद जो है रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। केवी पीजीटी में 2015 में प्रश्न आया था, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद नहीं रहता है क्योंकि रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। तो रामानंद जो है रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद को भक्ति आंदोलन का महान संत माना जाता है। इन्होंने राम भक्ति धारा को समाज के निचले तबके का पहुंचाया। ये पहले ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया। इसके बारे में प्रचलित कहावत है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। इनके द्वारा रचित पुस्तकें हैं वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्रोत, योग चिंतामणि और ज्ञान तिलक। ऐसी रामानंद की ये सारे के सारे जो है, याद रखिएगा, ये इनके पुस्तकें हैं। तो रामानंद जो है रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा में रहे थे। 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सही युग्म आप बताइए, रामानुजाचार्य ने द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, निम्बकाचार्य ने ये सही युग्म बताना है तो ये भी गलत है, माध्वाचार्य ने अद्वैतवाद, ये भी गलत है, तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वल्लभाचार्य के द्वारा शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया था। तो वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद, ये बिल्कुल सही है, वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत शुद्धाद्वैतवाद है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ जो है पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा, ब्रह्म सूत्र भाष्य और जो अणु भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका, तथा सुबोधिनी टीका और तत्व दीप जो है निबंध, ये जो है वल्लभाचार्य के प्रमुख ग्रंथ रहे हैं, आप इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। साथियों 36 नंबर का प्रश्न है, अद्वैतवाद के अनुसार, अब अद्वैतवाद के अनुसार जीवन और ब्रह्मा एक है, अद्वैतवाद के अनुसार क्या है साथियों? जीवन और ब्रह्मा क्या है? एक है, तो ये याद रखिएगा, अद्वैतवाद के अनुसार जो है जीवन और ब्रह्मा क्या है? एक है। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक है। अद्वैतवाद दर्शन की वह धारा है जिसमें एक तत्व को ही मूल माना जाता है। वेद तथा उपनिषदों में एक पुरुष या एक ब्रह्मा का सर्वप्रथम प्रतिपादन मिलता है और अद्वैतवाद के जो संस्थापक थे साथियों वो शंकराचार्य थे। अंश अंश मैंने आपको बताया था ना, अद्वैतवाद का अ ले लेंगे और शंकराचार्य का स ले लेंगे, तो ठीक है, अद्वैतवाद का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। कृष्ण के साथ, अगला प्रश्न है 37 नंबर का, कृष्ण के साथ राधा की महानता संप्रदाय की विशेषता रही है,
तो ये है सनकादि संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? सनकादि। साथियों आपको पता होगा कि हम लोग यहाँ पर आदि काल को खत्म करके भक्ति काल में चल रहे हैं। भक्ति काल के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये सारे के सारे प्रश्न अनेक परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए आप कंप्लीटली इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो कृष्ण के साथ राधा की महानता सनकादि संप्रदाय की विशेषता मानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, कृष्ण के साथ राधा की विशेष महानता सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। निम्बकाचार्य निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य के रूप में प्रख्यात हैं। इनको संकादिक संप्रदाय भी कहा जाता है, ठीक है। अगला 38 नंबर का प्रश्न है, कमल दल नैनन की उन्मानी बिसरत नाहीं सकी मो मन में मंद मंद मुस्कानी। कमल दल नैनन की उन्मानी बिसरत नाहीं सकी मो मन में मंद मंद मुस्कानी। ये पंक्तियां, ये पद जो चरण है, ये किसकी रचनाएं रही है साथियों? किसकी रचनाएं रही है? कमल दल नैनन की उन्मानी बिसरत नाहीं सकी मो मन में मंद मंद मुस्कानी। ये जो है रहीम दास जी की रचनाएं रही है। रहीम दास जी की प्रमुख रचनाएं और भी हैं, रहीम दोहावली, बरवे नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्याय और नगर शोभा। ये रहीम दास जी की और भी रचनाएं। रहीम दास जी के बारे में हम लोगों ने बहुत पहले भी बहुत कुछ पढ़ लिया है। चलिए 39 नंबर का प्रश्न है, वेरी नाइस क्वेश्चन, आप पढ़िएगा इसको, समझिएगा कि विशिष्टाद्वैतवाद की जो है किसने करी है। विशिष्टाद्वैतवाद जो दार्शनिक है, विशिष्टाद्वैतवाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है? यह है रामानुजाचार्य, ठीक है। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य का देखो यहाँ से र लीजिए और इसका वी लीजिए, तो रवि, इसका रवि एक क्या बन जाएगा? शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी, तो आपको याद रह जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य। द्वैतवाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो मध्वाचार्य माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? देम। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? मध्वाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक किसको माना जाता है साथियों? विष्णु स्वामी को माना जाता है। और द्वैतादेतवाद के प्रवर्तक किसको माना जाता है? दैनी निम्बाकाचार्य को माना जाता है। तो ये इस तरह से आप याद रखें, इसमें डी ऑप्शन या आप लोगों के लिए हो जाएगा। सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशिष्टाद्वैतवाद का रामानुजाचार्य, द्वैतवाद का मध्वाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद का विष्णु स्वामी और द्वैतादेतवाद के निम्बकाचार्य हैं। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ लिया होंगे। 40 नंबर का प्रश्न है, संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो सबको पता है ये भक्ति काल है। संवत 1375 से 1700 तक जो साहित्य रहा वो भक्ति काल का रहा है, तो आप सबको पता होगी कौन सी भावधारा रहेगी उसमें, भक्ति की भावधारा रहेगी साथियों। तो संवत 1375 से 1700 तक साहित्य में भक्ति भावधारा परिलक्षित होती है। इस काल में भक्ति अपने चरम उत्कर्ष पर थी। तुलसी और सूर जैसे कवियों ने भक्ति का पूर्ण प्रसार किया। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन ने जो है भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा है साथियों, ठीक है। तो साथियों अब ये प्रश्न जो 40 तक हम लोगों ने किए 26 से, अब अगले वीडियो में हम लोग करेंगे 41 नंबर के प्रश्न से। कहाँ से करेंगे? 41 नंबर के प्रश्न से। अगर आपको दिख रहा है तो ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसके द्वारा की गई थी, आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एक क्वेश्चन में आप लोगों से पूछता हूँ साथियों, जो परमार रासो है उसको अन्य और किस नाम से जाना जाता है, तथा परमार रासो की रचना किसके द्वारा की गई थी? कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा साथियों। साथियों वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो यार जरूर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए और पसंद कीजिए साथियों, और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि यार मेरे जो भी कोटा ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल की जो फैमिली है वो किस तरह से पढ़ रही है। मैं चाहता हूँ जो भी इसको पढ़े उन सभी के कमेंट मेरे को आने चाहिए साथियों। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।